इंसान के अच्छे नाम का असर पड़ता है। नबी ने कहा कि अच्छे नाम का इंतखाब करो, जिसका नाम अच्छा है, जिसका नाम अच्छा है, और जो इंसान अच्छा चेहरे वाला भी है, अच्छा चेहरे वाला है, जिस जो वजनदार शख्सियत है, अच्छे चेहरे वाला है, खुबरू है, देखने में अच्छे हैं और नाम भी उसका अच्छा है, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे का इंतखाब करो। इस अच्छे काम के लिए भेज रहे हैं, ऐसे आदमी को भेजो जिसके नाम के मीनिंग अच्छा है, सक्सेसफुल है या कोई और है, इस तरह से अच्छे नाम रखा करो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे नाम, मीनिंगफुल नाम के बजाय ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं जो मीनिंगलेस है। और हम नाम के मीनिंग उलामा से नहीं बल्कि गूगल हजरत से पूछते हैं, मुफ्ती गूगल से पूछते हैं, और वो अपनी तरफ से जो चाहे बता देता है। आंख बंद करके हम मान लेते हैं, मान लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो माशरे में बहुत मशहूर है। एक नाम अयान आज बहुत मशहूर है, मीनिंगलेस, ना अरबी माना है ना इसका कोई माना है। अयान क्यों, किसी एक्टर ने अपने बच्चे का नाम रखा, अब मुझे रखना है, ये इंसान की सोच हो चुकी है। अल्लाह के रसूल ने कहा हुस्नल इस्म, अच्छे नाम रखो, कयामत के दिन उसी नाम से पुकारा जाएगा। इंसान के नाम का उसकी जिंदगी पे असर होता है, उसके काम काज पे असर होता है, हाँ बाकायदा होता है। इसलिए नाम अच्छा रखा करें, नेक फाल लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाल लिया है बहुत सारे अच्छे नाम से, अच्छे जुमले से। और जिनका नाम बुरा था नबी ने चेंज भी किया है,